टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th की जो बायोलॉजी हमारा चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करने वहाँ लास्ट जो स्टार्ट करने जाने वाले हैं हमारा वो लिम्फ के बारे में है, और साथ में हम जो ब्लड कोगुलेशन का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और साथ में सर्कुलेटरी जो पाथवेज है हमारे उसके बारे में एक बेसिक से जानकारी लेंगे। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ पर हमने क्या है ब्लड वेसल्स के बारे में जाना था, ब्लड के बारे में जाना था, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्ट या थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, उनके बारे में हमने जाना था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक हमारा टॉपिक रह गया था लिम्फ, ठीक है, लिम्फ के बारे में जानेंगे। लिम्फ क्या होता है, ठीक है, लिम्फ की बात करें तो लिम्फ इज आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, इसे हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, इसमें होता क्या है, टिश्यू फ्लूइड क्यों कहा हमने, क्योंकि ये जो लिम्फ है, जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो वेसल्स से हमारी जो आर्टरीज थी, ब्लड वेसल्स थी, वहाँ से कुछ प्लाज्मा, ठीक है, वहां से क्या है प्लाज्मा, सम प्रोटीन्स, ठीक है, और सम आपके WBCs डिफ्यूजेस इनटू द टिश्यू। भाई ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, साइड में हमारे पास क्या टिश्यू प्रेजेंट है, डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं, टिश्यूज प्रेजेंट हैं, तो इनके अंदर से टिश्यूज के अंदर क्या है ये चीजें प्लाज्मा प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स WBCs क्या है डिफ्यूज करके टिश्यू के अंदर चली जाती हैं, सेल्स के अंदर चली जाती हैं, जो स्पेस होता है टिश्यूज के बीच में, जो इंटर सेलुलर जो स्पेस है वहां पर चले जाता है। इसीलिए यहां पर क्या कहा हमने टिश्यू फ्लूइड कहा इसको, ठीक है। अब लिम्फ समझ में आया, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, और लिम्फ के अंदर क्या मिलता है आपको देखने में, प्लाज्मा देखने को मिलता है, प्रोटीन्स देखने को मिलती है, WBC देखने को मिलती है, और बना कैसे था, बनता कैसे है, ब्लड में से ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए डिफ्यूज करके कुछ प्रोटीन्स, कुछ जो हमारा प्लाज्मा और कुछ WBCs वो डिफ्यूज करके टिश्यू के अंदर चली जाती हैं, और वहां पर जाके वो लिम्फ का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये है जो इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर जो हमारा जो प्रेजेंट है फ्लूइड उसे हम लिम्फ कहते हैं। और ये जो लिम्फ होता है इट इज कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होता है, कलरलेस इन द सेंस इनके पास क्या नहीं होता, नो RBCs, ठीक है, कलरलेस होता है, इसके पास RBC नहीं होती है, RBC लिम्फ के जो आपके ब्लड वेसल्स हैं इनको क्या है डिफ्यूज नहीं कर पाती है, इसीलिए क्या है कलरलेस होती हैं। बाकी जो अगर हम बात करें कंपोजिशन की लिम्फ की और ब्लड की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, सेम प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन्स कम होती हैं लिम्फ के अंदर एज कम्पेयर टू द ब्लड, और WBC हमारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, सिर्फ RBC नहीं होती है, इसीलिए क्या है कलरलेस होता है हमारा लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ की बात करें तो लिम्फ इज आल्सो नोन एज मिडलमैन, ठीक है, ये मिडलमैन का भी काम करता है। मिडलमैन का काम कैसे करता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं तो वेस्ट वगैरह है टिश्यूज के अंदर से, सेल्स के अंदर से जो वेस्ट है उनको लेके जाता है, और ये लार्ज जो ब्लड वेसल्स होती है, लार्ज जो वेन्स होती हैं वहाँ पर डाल देता है, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हर सेल के अंदर, हर टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ पर जो काम, जो करने वाला काम है कौन करता है, वो लिम्फ करता है, और उनके अंदर क्या मिलता है मिडल मैन की बात समझ में आ गई कि ये आदान प्रदान काम करता है ब्लड के साथ और जो टिश्यूज के साथ, ठीक है, टिश्यू से वेस्ट लेके जाता है और ब्लड में डाल देता है, और ब्लड से ही वैसे ही क्या है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स अगर हम लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें, ठीक है,
लिम्फेटिक वेसल्स से क्या करता है, ये जो फैट, जो डाइजेस्टेड फैट है जो एब्जॉर्ब हो चुका है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो बॉडी, हमारे टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वहाँ पर पहुँचा देता है। कौन? लिम्फ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो टिश्यू फ्लूड कहलाता है, कलरलेस होता है। और कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं होती है, मिडल मैन है हमारा, जो ब्लड वेसल्स हैं और टिश्यूज के बीच में मिडल मैन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, टिश्यूज से वेस्ट को लेके बाहर डाल देता है ब्लड के अंदर, और ब्लड से चीज़ें को, जो जरूरी चीज़ें को लेके क्या है, टिश्यूज को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, इसलिए मिडल मैन है। तो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, टिश्यूज के बीच से लिम्फ इकट्ठा होके एक लार्ज वेसल, कुछ माइन्यूट वेसल्स बनती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए हमारी, फिर स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स, फिर लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, आखिरी में क्या है, ये वेन्स में चली जाती हैं। ठीक है, तो वेन्स क्या थी, बताया था, वेन्स क्या होती है, जो 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 डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं उन्हें वेन्स कहते हैं, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्या है, थ्रू वेन्स ही जाता है, तो वो टिश्यू से थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स वो वेस्ट को लेके जाती हैं फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, टिश्यू फ्लूड है, कलरलेस है, मिडल मैन का लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जो फैट, डाइजेस्टेड फैट को लेके जाती हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यूज और सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये तो था हमारे लिम्फ के बारे में। अब हम बात करेंगे, जो लास्ट हमने बात की थी किसके बारे में, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में हमने बात की थी, कि थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स वो क्या काम करती हैं। हमने पढ़ा था कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, ब्लड को क्लॉट करने का काम करती हैं, अगर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो वहाँ से ब्लड निकलने लग जाता है, और अगर ब्लड वो अगर हील ना हो, वो रिपेयर ना हो, तो सारा ब्लड हमारा उस पॉइंट से बॉडी के बाहर आ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक तरह का बंदा लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या, एक तरह की ब्लॉकेज कर दी जाती है, ताकि ब्लड हमारे क्या है, बॉडी के बाहर नहीं आए। तो वो काम कौन करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स करती हैं, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे अभी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना इसके बारे में, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है। देखो, तो यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, एक इंजर्ड टिश्यू था, इंजर्ड टिश्यू, यहां से क्या हुआ, एक थ्रोम्बो प्लास्टिन रिलीज हुआ फ्रॉम इंजर्ड टिश्यू, और साथ ही साथ जो हमारी ब्लड जो सॉरी जो प्लेटलेट्स थे हमारी, कौन से प्लेटलेट्स, रप्चर्ड प्लेटलेट्स थी, दे इट रिलीजेस, ठीक है, रिलीजेस, डिसइंटीग्रेट, ग्रेट्स एंड रिलीजेस, डिसइंटीग्रेट्स एंड रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, चोट लगी वहां से, इंजर्ड टिश्यू था, उसने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो रप्चर्ड प्लेटलेट्स थी एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, वहां से जो रप्चर्ड प्लेटलेट्स थी वो डिसइंटीग्रेट हुई, और उन्होंने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड प्रोटीन्स, ठीक है, सेम हियर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ये जो थ्रोम प्रोटीन्स वो क्या करेंगे, एक एंजाइम बनाएंगी, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, यहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया है, यहां से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो रप्चर्ड प्लेटलेट से बन के आ रहा है, इसे हम प्लेटलेट फैक्टर
प्लेटलेट फैक्टर 3 के नाम से भी जानते हैं, प्लेटलेट फैक्टर 3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, प्लेटलेट थर्मोप्लास्टिन। तो ये दोनों मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड प्रोटीन्स वो एक एंजाइम बनाती हैं थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, रप्चर्ड प्लेटलेट से क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर प्लेटलेट फैक्टर 3 निकला। और उन्होंने कैल्शियम एंड प्रोटीन्स की मदद से एक एंजाइम बनाया थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, अब ये थ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फिब्रिनोजन है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये फिब्रिन, ठीक है, अब ये फिब्रिन जो है, फिब्रिन प्लस आरबीसीज या सिंपली कह सकते हो डब्ल्यूबीसीज प्लस आरबीसीज या सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख लो आप, फिब्रिन प्लस सेल्स, इट फॉर्म्स ए जेल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्लॉट, ठीक है। फिब्रिन प्लस जो रप्चर्ड जो सेल्स थे वहां पर आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, जो प्लेटलेट्स थी, ये सारे मिलकर क्या है कि जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती है। पर इस तरीके से की फॉर्मेशन होगी वहां पर चोट वाले हिस्से पर, सारे मिलकर क्या बनाएंगे, एक इस तरह का ब्लॉकेज बनाएंगे और यहां पर आके क्या है, सेल्स आपके आके चिपक जाएंगे और आखिरी में क्या, वो जेल लाइक जो स्ट्रक्चर बना था हमारा वो हार्ड हो जाता है, उसे ही कहते हैं हम क्लॉट। क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। ये तो था हमारा किसके बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है, ध्यान रहेगा अभी। तो इंजर्ड टिश्यू से क्या बना, थर्मोप्लास्टिन, यहाँ से भी हमारा क्या बना, प्लेटलेट थर्मोप्लास्टिन, और दोनों ही कैल्शियम और प्रोटीन्स के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाएंगे। जो थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। अब फिब्रिन साथ में जो रप्चर्ड जो सेल्स थे, जो जो आरबीसीज थी, डब्ल्यूबीसीज थी, जो प्लेटलेट्स थी, उनसे मिलकर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे क्लॉट कहते हैं। और ये क्लॉट बाद में हार्ड होके क्या, हार्ड हो जाता है, जिसे हम अगर हिंदी में बात करें खुरंड कहते हैं, खुरंड की फॉर्मेशन होती है जो ब्लड को बाहर आने से रोक देता है। ये तो था हमारा किसके बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात और है कि ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम वो होता है भाई चोट लगने के बाद वो कितने समय तक खून बहता है हमारे, कितने समय तक खून निकलता है हमारे बॉडी से। तो ब्लीडिंग टाइम इन जनरल वो 1 से 6 मिनट का होता है, ठीक है। छोटी मोटी चोट के लिए बात माने काउंट करें, थोड़ा कट लग गया, थोड़ा कुछ और लग गया, छोटी मोटी चोटें हैं, तो उस दौरान 1 से 6 मिनट में क्या ब्लीडिंग रुक जाती है। तो मेजर केसेस में तो चोट गंभीर हो, ज़्यादा लगी हो, ज़्यादा कट हो, हैवी कट हो, तो टाइमिंग ज़्यादा होती है। ऑन एन एवरेज की बात करें, इन जनरल फॉर्म की बात करें, जनरली बात करें, तो छोटी मोटी चोट होती है हमारी, इंजरीज होती हैं, वो 1 से 6 मिनट में क्या है ब्लीडिंग टाइम होता है, उसके बाद हमारा क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और क्लॉट फॉर्मेशन में जो बनने का टाइम है वो कितना टाइम, 2 से 8 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। 1 से 6 तो ब्लीडिंग का टाइम होता है और 2 से 8 मिनट हमारा क्या होता है, क्लॉटिंग का टाइम लगता है। 2 से 8 मिनट के अंदर क्या है, ब्लीडिंग रुकने के बाद 2 से 8 मिनट के अंदर क्या है, वहाँ पर क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पर किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। लास्ट लेक्चर में बताया था हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ब्लड का, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड हमारे पास कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हार्ट से ब्लड निकलने के बाद वो ब्लड वेसल्स में जाता है और वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उसको पूरी बॉडी के अंदर ले जाती हैं, ठीक है। फर्दर क्या है, वहाँ पर और स्मॉलर ब्लड वेसल्स नहीं मिलती हैं, वो बॉडी कैविटी के अंदर क्या ब्लड को रिलीज कर देती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओपन में क्या होता है, कैविटी होती है बॉडी के अंदर, तो हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, जो जो प्योरीफाइड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी में ब्लड को छोड़ देती हैं। समझने वाली बात क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें, जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि नहर से पानी आता है, नहर से पानी से जब खेतों में लेके नालियों के द्वारा खेतों में ले जाता है, और खेत में जब जब खेत पानी देना होता है जिस खेत में, उस पानी को हम वहाँ छोड़ देते हैं, वो खेत बिल्कुल खुला होता है, पानी उसके अंदर डायरेक्टली जाता है। वो जो नालियाँ थी जो खेतों तक आई, वो हमारी क्या थी, ब्लड वेसल्स। और जो खेत हमारा, खेत एक तरह का हमारा क्या है, एक बॉडी कैविटी है, उस बॉडी कैविटी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उस ऑर्गेनिज्म के, और उस कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो नहाते हैं किसके अंदर, उस ब्लड के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उस ब्लड के अंदर के पूरा कवर कर लेते हैं उन ऑर्गन्स को, ठीक है। और दूसरे एंड से क्या होती है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेके चले जाता है हार्ट के पास वापस, यानी कि बॉडी जो हमारी बॉडी कैविटी है, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर स्पेशल ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं कि वो हर एक टिश्यूज़ के साथ हर एक सेल के पास क्या है, थ्रू ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड हमारा जा रहा है और वापस आ रहा है। तो जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं, अगर हम इसकी बात करें, ओपन वाले की बात करें, जैसे कि आर्थ्रोपोड हो गया, आर्थ्रोपोडा एक क्लास इंसेक्टा का हमारा एक सब क्लास है आर्थ्रोपोडा, तो जो इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, और साथ में हमारा क्या मोलस्का, ठीक है, स्नेल्स वगैरह जो होती हैं, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। हार्ट से निकलने के बाद डायरेक्टली बॉडी की जो कैविटी होती है ब्लड से सीधा वहाँ चली जाता है बिना किसी ब्लड वेसल के, ठीक है। सेकंड हमारा टाइप था क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा, इट मूव्स इन ए क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे इन ए वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। सेकंड हमारा कौन सा हो गया, क्लोज्ड की बात हो रही थी। क्लोज्ड में क्या होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। इन ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या है, ब्लड हार्ट से निकलने का बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, वो कहलाता है हमारा क्लोज्ड, ठीक है। यानी कि ओपन नहीं है, डायरेक्टली बॉडी में नहीं फैल जाता ब्लड। ओपन वाले में क्या था, हार्ट से निकलने के बाद कोई एक ब्लड वेसल जाती है, कुछ दूरी तय करने के बाद वो बॉडी में छोड़ देती है ब्लड को, एक कैविटी में छोड़ देती है। क्लोज्ड में ऐसा नहीं होता। क्लोज्ड में क्या है, एक वेल डिफाइंड एक पाथवे होता है ब्लड के फ्लो का, थ्रू ब्लड वेसल्स क्या है, हर एक टिश्यूज हर एक सेल्स के थ्रू पास जाती है, थ्रू वेन्स लेके आती है, आर्टरीज लेके आते हैं, कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो हर सेल टिश्यू के पास लेके जाती है ब्लड को, वो आपका क्लोज्ड के अंदर आता है। दो तरह का सिस्टम हो गया हमारा, ओपन एंड क्लोज्ड। अगर आप ओपन कहाँ मिला हमारा, आर्थ्रोपोडा में, और आपका जो मोलस्कन है वहाँ पर आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम क्लोज की बात करें, जैसे कि मैमल्स हैं, हमारे एग्जांपल हम मैमल्स के अंदर आते हैं, हमारे अंदर क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे ब्लड का, वो क्लोज्ड है। नसों के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड जाता है। इसके अलावा जो बर्ड्स हो गई हमारी, ठीक है, बर्ड्स हैं जो, इनके अंदर भी क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बात समझ में आई कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो ये बड़ी इसके अंदर के, अगर नॉर्मली अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, नीचे से लेके सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक चलें, तो तीन तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक होता हमारा सिंगल सर्कुलेशन होती है, एक होती है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, थर्ड हमारी डबल सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो हमारा सिस्टम हो गया। अब वो सर्कुलेशन क्या है, एक ही बारे में पूरा ब्लड पूरी बॉडी से कवर होकर जाता है, हार्ट के थ्रू पास करता है या दो बार पास करता है, तो वो उसके बेस पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेशन है हमारी, वो तीन प्रकार की होती है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, थर्ड हमारी कौन सी है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो उसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ये जो
ठीक है। तो पहले हमारे पास कौन सी है, सिंगल सर्कुलेशन ठीक है। इस तरह की सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड क्या है हार्ट के थ्रू सिर्फ एक ही बार पास होता है, वो कहलाती है सिंगल सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल इन द केसेस ऑफ फिशेज, फिशेज की बात करें तो एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं हार्ट का। भाई एक डायग्राम ये है, एक हमारा ये हो गया हार्ट का डायग्राम ठीक है। ये रफ सा डायग्राम बना दिया हमने। एक चैम्बर हमारा ये है एट्रिया और एक हमारे पास है वेंट्रिकल। जो फिशेस होती हैं उनके हार्ट में क्या होता है, टू चैम्बर होते हैं। उनके हार्ट में क्या है, सिर्फ दो चैम्बर होते हैं जिसके कारण उनके अंदर क्या है, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। पर यहाँ से ब्लड आया अंदर ठीक है, प्यूरिफाई होकर ब्लड यहाँ पर आया और थ्रू वेंट्रिकल वो क्या है, पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाता है। एक जगह से ब्लड अंदर आया, दूसरी जगह से ब्लड क्या है, बॉडी पार्ट्स में चले गया। यानी कि पूरा ब्लड क्या एक ही बार दिल के थ्रू पास कर जाता है, इसे कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन ठीक है। एंड सेकेंड हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ठीक है। इसमें क्या होगा, एक रफ सा डायग्राम फिर बना लेते हैं। भाई हमारा हार्ट है ठीक है, ये हमारे ऊपर दो चैम्बर हो गए, एक कॉमन चैम्बर हमारे नीचे होता है ठीक है, और यहाँ से क्या है ब्लड का बॉडी के बाहर चल निकल जाता है ठीक है। ये जो हमें देखने को मिलता है एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर यानी कि ऐसा सर्कुलेशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके हार्ट के अंदर तीन चैम्बर होते हैं ठीक है। एक चैम्बर तो हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा चैम्बर हमारे पास ये है, यानी कि थर्ड चैम्बर है, इसका पार्टीशन नहीं होता है। दो चैम्बर हमारे होते हैं फिशिस के अंदर, तीन चैम्बर की बात करें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एक एग्जाम्पल हो गया हमारा रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या है हार्ट के अंदर तीन चैम्बर होते हैं। भाई इस वाले फर्स्ट वाले में क्या होगा, जो आपका इम्प्योर ब्लड है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आता है हमारा चैम्बर नंबर वन में और चैम्बर वन से थ्री से होता हुआ बॉडी के अंदर चले जाता है। वैसे ही चैम्बर नंबर टू में हमारा आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आता है प्यूरिफाई ब्लड आता है लंग्स या स्किन से प्यूरिफाई होकर वो चैम्बर नंबर टू में आता है और टू से थ्री में। अब यहाँ आप देख सकते हो कि एक और दो दोनों के जो चैम्बर का जो ब्लड है वो तीसरे चैम्बर में, थर्ड जो चैम्बर है वेंट्रिकल ठीक है, ये आपका वेंट्रिकल है, इसके अंदर मिक्स हो जाता है ठीक है। यानी कि आया तो जो हार्ट के अंदर आया तो अलग अलग जगह से था, अनप्यूरिफाइड यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड दोनों आया, मगर तीसरे चैम्बर में क्या हुआ मिक्स हो गया ठीक है। जिसके कारण एक तरह की डबल सर्कुलेशन है मगर इनकम्प्लीट है। थर्ड चैम्बर आपको कॉमन हो जाता है, ब्लड दो में भी आया और एक में भी आया, दो पाथवे हो गए, मगर थर्ड चैम्बर में क्या हुआ, दोनों मिक्स कर गए, वापस एक हो गए। तो इस तरह की सर्कुलेशन कहलाती है हमारी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो कहाँ देखने को मिलता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। यहाँ पर देखने वाली बात हमारी क्या है कि रेप्टाइल्स में अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए, क्रोकोडाइल को छोड़कर जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, रैंक के चलने वाले जीव हैं, सबके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, मगर क्रोकोडाइल के अंदर क्या होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ठीक है। क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ठीक है। थर्ड हमारे पास अब है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे, एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं दोबारा से, हम एक हार्ट का डायग्राम रफली डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो इस तरह का हमारा हार्ट है ठीक है। तो ये हमारा एक सेप्टम है बीच में जो पार्टीशन करता है दोनों की, और ये चैम्बर हमारे हो गए चार चैम्बर, एक यहाँ से यहाँ से, यहाँ से ब्लड अंदर आता है, यहाँ से ब्लड हमारे क्या बाहर जाता है ठीक है। तो यहाँ से ब्लड हमारा बाहर जाता है और यहाँ से भी हमारा ब्लड बाहर जाता है। तो एक हमारा है राइट एट्रियम, सेकंड हमारे पास है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, थर्ड हमारे पास क्या है राइट वेंट्रिकल, एंड फोर्थ हमारे पास क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो चार चैम्बर होते हैं। तो बॉडी से क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से होते हुए वो कहाँ जाता है, वो राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से ये पहुंच जाता है कहाँ पर, लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास पहुंच जाता है, और लंग्स से प्यूरिफाई होके ब्लड कहाँ पर आता है, ये आपका आपका ये जो लेफ्ट जो एट्रियम है इसके पास आता है, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के अंदर चले जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चले जाता है, बॉडी के अंदर। आप देख सकते हो कि ब्लड जो है हार्ट के अंदर से दो बार ट्रांसपोर्ट हुआ है, दो बार मूव हुआ है, एक बार तो हमारा आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, और एक बार हमारे पास कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, दो बार पास हुआ। तो इस तरह की सर्कुलेशन है उसे कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन, इस तरह की जो ब्लड की सर्कुलेशन कहलाती है वो कहलाती है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन हम देखने को मिलती है मैमल्स के अंदर, ठीक है, जो मैमल्स हैं उनके अंदर क्या डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स के अंदर भी क्या है आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स के अंदर भी, मैमल्स के अंदर भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एडवांटेज क्या है फोर चैम्बर्ड हार्ट की, कि यहाँ पर क्या है ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, जो उसकी एबिलिटी है ब्लड की ट्रांसपोर्ट करने की वो बनी रहती है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ थ्री चैम्बर्ड हार्ट वहाँ पर क्या एबिलिटी नहीं होती है ब्लड की टू कैरी द ऑप्टिमम जो ऑक्सीजन है जो कैरी करने की, वहाँ पर कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए क्या फोर चैम्बर्ड हार्ट काफ़ी एडवांटेजेस होता है एज कम्पेयर टू द थ्री एंड टू चैम्बर्ड हार्ट। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये तो था हमारा आज का जो लेक्चर जिसमें हम डिस्कस किया लिम्फ के बारे में और ब्लड कोगुलेशन के बारे में या ब्लड क्लोटिंग के बारे में, और हमने डिस्कस किया सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस, ठीक है। आपका पहला था हमारा सिंगल सर्कुलेशन, सेकंड हमारा क्या था डबल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, थर्ड हमारे पास क्या था डबल सर्कुलेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और साथ ही साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको क्या है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, हमारी जो बायोलॉजी क्लासेस की हैं क्लासेस की जो अपडेट्स हैं आपको लगातार मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, हैव ए नाइस डे।